दोस्तों सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो कि मैं शेयर करने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखना है और असल हकीकत आप लोगों के सामने आ जाएगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं मेरे प्यारे बहन भाइयों कि ये कोरोना वायरस जो है इसमें किस तरह बचना है, क्या क्या अलामतें हैं, कितने दिन तक चलेगा, किस तरह के मामलात हैं, मैं इन सब चीजों में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर हूं, 10,000 जगहों पे सवाल किए जाते हैं, 10,000 लोग इस मौजू पे मुझसे बात करना चाहते हैं, मैंने कई जगहों पे अपनी अपनी माहिराना राय दी है, अपनी तालमेल अपने हिसाब डॉक्टरी के हिसाब से बात करी, लेकिन आज उस मौजू पे तो बात ही नहीं करनी ना। वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। आज तो बात होगी मेरे और आपके अमाल की। आज मैं सिर्फ अपने अमाल की बात करूंगा, आज मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा, क्योंकि आप लोग यकीन मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर न सिर्फ इंसान है बल्कि मुसलमान है। कसूर इस कोरोना वायरस में, मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि कसूर इस कोरोना वायरस का, कसूर इस वबा का, कसूर इस तकलीफ का, कसूर इस अजाब का मैं हूं। मैं बहैसियत इंसान, मैं बहैसियत कलमा गो, मैं बहैसियत उम्मत मोहम्मदी का नारे लगाने वाला, मैं एक उम्मती की हैसियत से सुनवा रहा हूँ। मेरे अल्लाह, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरे अल्लाह, मेरी जान, मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। मैं माफी मांगता हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ। खुदा की कसम, दुनिया की कोई ताकत मेरा काम देखा नहीं कर सकती जब तक कि मेरे अल्लाह का हुक्म ना हो। गलती मेरी है मेरे अल्लाह, गलती मेरे मुसलमान भाई बहनों की भी शायद है, ये गलती उम्मत मुस्लिमा की है, कसूर हमारा है, कसूर हमारी वजह से है, हमने आवाज नहीं उठाई जरूरत पर। हाँ लल्लिया, हम भूल गए कि तुमने हमें इस दुनिया में सिर्फ अपनी इबादत के लिए भेजा था। अल्लाह, हम भूल गए कि जब इंसानों पर जुल्म हो रहा था तो हम अपने अपने कारोबार लगे हुए थे। अल्लाह मियां, हम भूल गए कि जिस वक्त B-52 के बम गिर रहे थे उस वक्त हम अपने घरों में शादियाने बजा रहे थे, अपने तकरीबात में मसरूफ थे। अल्लाह मियां, गलती हमारी है, कसूर हमारा है। हम भूल गए कि जब रोजाना भूख से 8,000 बच्चे दुनिया में मरते हैं तो हम अपनी टेबल सजा करके 14-15 किसी खाने रख के फिर भी शिकायत कर रहे होते कि उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे अल्लाह, मुझे लगता है कि आप नाराज हैं। खुदा की कसम, मेरा ईमान है कि आप नाराज हैं। मैं हार चुका, मैं 1.5 अरब मुसलमानों की तरफ से अल्लाह हार चुका, माफ कर दीजिए, आपने माफ नहीं किया ना। खुदा की कसम, कोई कुछ कर, मैं माफ नहीं करूंगा। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मुझे पता है कि मेरे को काम की जगह, मेरे अल्लाह, मेरी चीज पूरी, मेरी आखिरी मर्जी की तो मैं नहीं हुई। अल्लाह, मैं मुसलमान भाई, इंसानियत का मैंने वो हाल किया है सालों में कि इंसान के तड़पुटी से काम बस रहे। आपने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिया, हमारे लिए आपने मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए। इतना गुस्सा रही, मेरे अल्लाह, इतना गुस्सा रही, अस्तग़फ़ार करता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाहों की सजा है। ये मुल्क हमने इस्लाम की किताब पर लिया, ये मुल्क हमने कुरान की किताब पर लिया, ये मुल्क हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब पर लिया, और आज इस मुल्क में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हर चीज हो रही है। अब हमने वो हुक्मरान चुने जिन्होंने हमारी बोटियां लोच ली, हमने वो हुक्मरान चुने जिन्होंने चोरियां कर ली। हमारे यहाँ से इंसाफ उठ के गायब हो चुका है। याद करें वो वक्त जब उमर फारूक का जमाना था कि जनाब एक औरत खड़े होकर सवाल कर लेती थी कि अरे उमर, तुम्हें तुम्हारे गनीमत से इतना कपड़ा नहीं मिला था कि तुम्हारा पूरा जो लिबास उसमें सिल जाए, आज तुम कैसे लिबास पहन के खड़े हो। तो उस वक्त का अमीर, उस वक्त का शहंशाह, उस वक्त का बादशाह उस औरत को मुतमईन करके जवाब देता है। आज हमारे हुक्मरान जिनकी बेटी, आज लोग की हालत देखे, हजारों गाड़ियां, हजारों मिल्कियतें, हजारों करोड़ों के अकाउंट, कसूर हमारा, अल्लाह कसूर हमारा, हमने कुछ हमें माफ कर दे, उनको भी माफी की तौफीक दे। या अल्लाह, जुल्म का निजाम है, मानता हूं जुल्म का निजाम है, अल्लाह इस जुल्म के निजाम को आप खत्म कर दे, मैं घर खोल दे, अल्लाह मैं घर खोल दे, मैं हाथ जुड़वा ले, मुझे सुनता करवा दे, मैं कदमा पड़ दे, अल्लाह हाथ धो लो, ये नाक साफ कर लो, ये लगा लो हाथ में,
अपनी टाइगर लगा लो, ये सब कुछ सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो असल बात है ये कि मेरा मालिक नाराज हो गया है, मेरा मालिक कह रहे हैं, मेरा मालिक गुस्से में है, अगर मालिक गुस्से में है तो फिर गुलाम कहा जाएगा, लवियन कहा जाएगा। मानता हूँ कि मेरी हजारों लाखों में गुना चाहे पिछले कई सालों में हमने इस दुनिया में अपने सामने जाते देखी और हमारे कानों में जो नहीं रहती, क्योंकि हमारा घर महफूज था, हमारी टेबल खाने की भरी हुई थी, हमारे पेट में खाना मौजूद था। आपने कहा कि ये क्या हो रहा है, आपने पूछा, हर दफा हमको अलामत दी, हमें वेकअप कॉल दी, हमने नहीं सुना। आज जिंदगी उस दहाने पे ले आई है, उस जगह ले आई है कि हमें अपनी फिक्र से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र, बच्चों से ज्यादा उनके बच्चों की फिक्र है, लेकिन कोई भी पास इसका हल नहीं है। हम जिससे बात करने जाते लगता उसी से हम जरा सीख ले लेंगे, हम अपनी माँ से बात करने में डर रहे हैं, हम मस्जिदों के अंदर नहीं जा पा रहे, हम अपने बच्चों को गले लगा नहीं पा रहे। अल्लाह ने हमारे आवाज का नतीजा है